खबर अयोध्या से है, जहां शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की हत्या का खुलासा होने के बाद भी मामला चर्चा का विषय बना है। शिक्षिका सुप्रिया वर्मा पर लगे बदनामी के दाग के खिलाफ सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय लोक दल कार्यकर्ताओं ने रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। इस दौरान रालोद जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने कहा कि अयोध्या प्रशासन द्वारा प्रेस नोट में कहा गया था कि मृतक शिक्षिका सुप्रिया वर्मा का वर्ष 2019 से बाल अपचारी के साथ अवैध संबंध था, जबकि कोई कॉल डिटेल नहीं है। कॉल डिटेल ना होना केवल यह साबित करता है कि शिक्षिका सुप्रिया वर्मा का उस बाल अपचारी के साथ कोई अवैध संबंध नहीं था। केस को हल्का करने के लिए और किसी को बचाने के लिए यह कहानी गढ़ी गई है। अभी यह जांच का विषय है। जब तक जांच ना पूरी हो जाए, शिक्षिका को बदचलन ना माना जाए। इस धरना प्रदर्शन में बबलू यादव, जियावन आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। प्रिया वर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रिया वर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। प्रिया वर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। प्रिया वर्मा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पार्क सिविल लाइन में जो शिक्षिका थी सुप्रिया वर्मा, जिसकी दिन में 10 बजे लगभग हत्या कर दी गई थी, और एक माह के बाद इस अयोध्या पुलिस प्रशासन ने जो खुलासा किया है, अयोध्या की जनता की वो परे है कि जो तथ्य इन्होंने पेश किया है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं धरना पे, और धरना के माध्यम से आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश को जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि पुनः जो है उसमें जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट, CBI CID, अन्य एजेंसियों से इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि तमाम ऐसे दोषी हैं जो अभी बाहर घूम रहे हैं। और जिस प्रकार से ये पुलिस प्रशासन ने दर्शाने का काम, दिखाने का काम किया है कि सुप्रिया वर्मा की हत्या एक नाबालिग युवक द्वारा की गई है, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ पुलिस कहती है कि 2 साल पहले 3 साल पहले से उसका अवैध संबंध था शिक्षिका से। सवाल इस बात की है कि एक नाबालिग लड़का 17 साल का, और 2 साल 3 साल पहले अगर उसका अवैध संबंध उससे बना है तो वो 14-15 साल का रहा होगा, और शिक्षिका 30-32 साल की थी। क्या ऐसा कारण था कि शिक्षिका का जो है ये लोग इनकी हत्या की गई? तो ये तथ्य छिपाने का काम किया है कि आसानी से इसमें जो है बेल मिल जाए।